नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया, मीडिया से बात की और साफ तौर पर बताया कि उनका अगले 100 दिनों के लिए, 5 साल के लिए और 2047 तक के लिए प्लान क्या है। और इस बीच उन्होंने हर उस बात का जवाब दिया जिसके लिए विपक्ष लगातार हमलावर था। जनता जानना चाह रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनके क्या जवाब होंगे और तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर खुलकर नरेंद्र मोदी ने बात की। हमारे साथ इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संदीप चौधरी जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और संदीप कुमार जी हैं, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और इस मुद्दे पर बात शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये तमाम वो मुद्दे हैं जो उन्होंने मीडिया से बात करते समय जवाब दिए और उन सारे मुद्दों पर खुलकर बात की जिस पर लोग जानना चाहते थे। और इनसे एक बड़ी तस्वीर भी सामने निकल के आती है जो कि न सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बल्कि आगे आने वाले चुनाव के बाद के दिनों के लिए भी बहुत ही खास रहने वाली है। सबसे पहले आपसे संदीप चौधरी जी बात करेंगे। सर, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से सबके लिए फायदे की बात है क्योंकि अब लोगों को पता चला कि आखिरकार कहाँ से पैसा आया, किसको दिया गया और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो मोदी जी की ये बात है उस बात के क्या माने निकलते हैं? देखिए, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, आज की तारीख में हिंदुस्तान की सभी पार्टियां इस चीज को इश्यू बना रही हैं और सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज तक जब से देश आजाद हुआ और जितने राजनीतिक दल बने, सबने अपना एक पैसा के डिपॉजिट के लिए अपना पार्टी का फंड बनाया, जिसका किसी को कुछ जानने का अधिकार नहीं था, ना ही किसी के पास कोई रिपोर्टिंग होती थी, ना ही मीडिया को पता चलता था, ना किसी को पता चलता था। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला सिस्टम आने के बाद चीजें पारदर्शी हुई है और पारदर्शी होने के बाद ही हमें ये पता चला है कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है। हालांकि ये अभी जांच का विषय है या वक्त के साथ साथ हम चीजें स्पष्ट होंगी कि इसमें काला क्या है और सफेद क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। तो देखते हैं किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये बात कही है चीजों को सामने रखें। संदीप जी, इसमें खास बात यह भी है कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या सरकार ने खुलासा करने के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्त रवैया अपनाया उसके बाद ये चीजें सामने आई। तो एक तरीके से अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये चीज बड़ी अच्छी हुई है जनता के लिहाज से, लोगों को पता चला है, तो ये बात क्या आपको लगता नहीं कि केंद्र सरकार को खुद ही पहले आगे कर देनी चाहिए थी? देखिए, बिल्कुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही श्रीवास्तव जी। ये चीजें सरकार की तरफ से आ रही हैं कि चीजें अच्छी हुई हैं, और सरकार जब कोई चीज करती है तो अपनी बातों का गुणगान करती है, लेकिन कई बार सरकारों को मुंह की भी खानी पड़ी है। चाहे वो किसान बिल को लेकर के आप बात कर लीजिए, चाहे जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कोर्ट ने बैन लगा दिया है या कोर्ट ने जो एक्शन लिया है उससे भी एक धब्बा लगा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि चीजें जब आगे प्रोसेस होंगी तो सरकार अपना मत रखेगी और चीजें कोर्ट में जाएंगी, उधर से विपक्ष भी चीजें स्पष्ट करेगा, क्योंकि आज की तारीख में इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो सरकार ने या कहिए भाजपा ने जो पैसा लिया है, इसी तरीके से दूसरी जो दल है वो भी इससे अछूते नहीं है। ऐसा कोई दल नहीं जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा नहीं लिया, पैसा सभी ने लिया है, पैसा सभी के पास गया है। तो जितना गलत अगर बीजेपी है उतने गलत दूसरे लोग भी हैं। जब चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सकती थी, अगर दूसरे दल ये कहते कि नहीं ये सिस्टम सही नहीं है और इससे हम पैसा नहीं लेंगे और चीजें कोर्ट में जाती, इसमें कोर्ट ने एक्शन लिया है और सभी दल इसी में, मैं कहता हूं जैसे एक कोयले की खान में सभी रंगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव बाद अगर बीजेपी की फिर से सरकार केंद्र में आती है तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के और ज्यादा वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है? यानी कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, अभी तो सरकार ने अपने स्तर पर पहले कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चुनाव के बाद इस पे और खुलासा या अपनी तरफ से बहुत सारी डिटेल्स सार्वजनिक कर सकती है, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, ये मामला ऐसा है श्रीवास्तव जी, ये दबने वाला मामला नहीं है, चूंकि एक बड़ा मसला है ये, और ये कभी भी जनता के बीच में बोल की तरह उछलता रहेगा जब तक ये चीजें बिल्कुल पारदर्शी नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाएंगी। क्योंकि विपक्ष ये देखता है कि इसको हम बड़ा एक घोटाला भी कह सकते हैं, एक स्कैम भी कह सकते हैं, और सरकार के ऊपर इससे उंगली हमेशा उठती रहेगी। तो सरकार के ऊपर उंगली उठनी तभी बंद होगी जब चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी, सरकार इस पे अपना स्पष्टीकरण देगी और चीजों को पारदर्शी बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ संदीप कुमार जी भी हैं। संदीप जी, ये बताइए, मोदी जी ने एक तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात की कि अब ये बड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया कि सबको पता चल गया, इसके साथ ही उन्होंने अपने एक विजन के बारे में बताया कि 100 दिन में वो क्या करने वाले हैं, 5 साल में क्या करने वाले हैं और 2047 तक कैसे विकसित भारत बनाएंगे।
क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस है, ये दिखाता है कि उनको ये पता है कि पहले ही हमारी सरकार आ जाएगी? और ये जो कॉन्फिडेंस है और जो बातें कही हैं, वो कितनी मायने रखती हैं चुनाव के मद्देनज़र? देखिए शिवेंद्र, आपके पहले सवाल का जवाब दूं, जिस जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके है, तो जो अभी एएनआई को इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री ने, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रधानमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो भी बातें की गई हैं या जो भी हुआ है, लेकिन ये एक सक्सेस स्टोरी है। ये सक्सेस स्टोरी है वो इसलिए है क्योंकि पहले जो चुनाव जब होते थे तो उसमें ब्लैक मनी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता था कि वो पता नहीं चलता था कहाँ से आ गया है, और इतनी रकम होती थी कि जो अपोजिशन में था वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होता था। और उन्होंने बीजेपी का इसमें उदाहरण दिया कि हम लोगों ने फैसला किया था, यानी कि बीजेपी ने, कि हम चेक से पेमेंट लेंगे, लेकिन चेक से पेमेंट देने वाला कोई कारोबारी तैयार नहीं हो रहा था। उनका ये कहना था कि हमें अगर सरकार को पता चल जाएगा तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो उनका कहना था कि हमारा मेन मकसद जो है वो ब्लैक मनी को रोकना था। अब कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड आने से ये बात तो साफ हो गई है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और किसे जा रहा है सोर्स, और जो पैसे जहाँ पे जिसको दिया गया वो तो एक तरीके से है। एक तरीके से संदीप जी ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर था, उसको एक तरीके से पटकनी दी है नरेंद्र मोदी ने कि भाई ये ट्रांसपेरेंट जो तरीका हमने अपनाया था वो दरअसल कारगर तरीका है और ये फेयर तरीके से पैसा आता है। और ये कह करके क्या उस बहस को खत्म करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने जो लगातार विपक्ष कर रहा था? देखिए शिवेंद्र, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये सफल हुआ है या ये असफल हुआ है ये अलग बात है, लेकिन जो मोटिव था उस मोटिव को कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से पाया गया है और काले धन को रोका गया। सोर्स मनी का क्या है, किसे मिला, ये पता है लोगों को, ये पता चल सकता है, सारे डिटेल्स हैं इसमें। तो उनका कहना है कुल मिला के कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं, जब ये बात पार्लियामेंट में जब इस पर डिस्कशन हुआ था तो उन्हीं लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, न सिर्फ बीजेपी बाकी और दूसरी पार्टियों को भी ये पैसे मिले थे, लेकिन वो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, किसको गया, ये अभी कम से कम इस बात का लेखा जोखा अपने पास है, इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको एक सक्सेस स्टोरी का नाम दिया है। संदीप चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का प्लान और भविष्य की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई, वो इस ओर साफ इशारा करती हैं कि मोदी इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि उनकी फिर से सरकार आ रही है, और जो प्लान हर बार के चुनाव के बाद वो बताते हैं कि इस बार हम विकास की बात करेंगे, अगली बार विकास के बाद लोगों के और ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करेंगे, और इस बार उन्होंने पहले से बता दिया कि हम लोग 100 दिन के लिए पहले से ही काम कर रहे हैं और 5 साल का पूरा प्लान है। तो ये जो 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 कॉन्फिडेंस है और ये जो बात है मोदी की, वो क्या चुनाव पर असर डाल सकती है कि लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं नहीं इन्होंने इस तरह से प्लान कर लिया और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो हमें इन्हें ही ज़्यादा वोट करनी चाहिए, या फिर बीजेपी इस तरीके की रणनीति में पहले से ही माहिर दिखती है आपको? देखिए श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मोदी जी का विजन है और वो बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट हैं अपनी तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर के। और न केवल तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर के, उन्होंने कहा है कि 2036 में वो ओलंपिक कराने की सोच रहे हैं, और वो पूरी शताब्दी का, पूरे 100 वर्षों का, 1947 तक का वो विजन लेकर के चल रहे हैं जिस तरीके से चीजें हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो विजन इनके पास हो सकता है, दूसरा एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि किस तरीके से विपक्ष को धराशायी करना है। जब हम आज इस चीजों पर चर्चा कर रहे हैं तो आम आदमी भी चौक चौराहे पे और चाय की दुकानों पे इस बात की चर्चा कर रहा है कि बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। और जब लोग इस तरीके की चर्चा करते हैं कि बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है, तो इसका आप समझ सकते हैं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, और लोगों का वोट हमेशा जीतते हुए कि आदमी, आपने सुना होगा कि भाई तैरती हुई नाव में हर कोई सवारी करना चाहता है, डूबती नाव में कोई बैठना नहीं चाहता। तो कई तरीके से बीजेपी वार करती है, जो 400 पार का नारा है वो भी एक स्ट्रेटेजिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जिससे विपक्ष को धराशायी किया जा सकता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि भ्रष्टाचार को लेकर के वही डरते हैं जो गलत करते हैं, जो गलत नहीं करते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, और ये जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई है जारी रहेगी। ये भी साफ करती है कि आमतौर पर पॉलिटिशियंस चुनाव के वक्त ये बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि बाद में क्या होगा, और ये कॉन्फिडेंस ही सिर्फ नहीं दिखाता बल्कि ये भी साफ करता है कि विपक्ष उनके निशाने पर आगे भी रहेगा। तो ये जो मैसेज देने की कोशिश की है, इसके क्या मायने आपको दिखते हैं? श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात की जाती है, तो भ्रष्टाचार एक हिंदुस्तान में बड़ा मुद्दा रहा है। आम आदमी अगर अपना राशन कार्ड भी बनवा
माने जाता है, वहां से प्रचार शुरू हो जाता है और बड़े लेवल तक किसी भी आप जाइए भ्रष्टाचार आपका पीछा नहीं छोड़ता है। किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए आपका भ्रष्टाचार पीछा नहीं छोड़ता है। तो यहाँ की जनता को भ्रष्टाचार शब्द एकदम से समझ में आता है और उनको लगता है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। और भ्रष्टाचार को लेकर जिसने भी राजनीति की वो सफल हुआ। अरविंद केजरीवाल चार के मुद्दे पर आए थे और किस तरीके से सीला की 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंका और गद्दी पर बैठ गए। तो यार एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कई बड़े कई मुख्यमंत्री, अगर हरियाणा की बात करें तो ओम प्रकाश चोटा जैसे दबंग मुख्यमंत्री जेल में रहे, लालू प्रसाद यादव रहे और कई ऐसे नेता आज भी आप शिबू सोरेन के बेटे की बात कर सकते हैं, केजरीवाल की बात कर सकते हैं, आप मनीष सिसोदिया की बात कर सकते हैं, आप सिंह की बात कर सकते हैं, तो हम भी फेरिस्त आप गिनवा सकते हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है, लोगों के अंदर एक विश्वास जगता है कि हाँ भ्रष्टाचार की कमर टूट रही है। ये बात अलग है, वो वक्त बताएगा कि अपनों के साथ भी एक्शन होता है या केवल दूसरों पर ही होता है, लेकिन एक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर इस बात पर भी होता रहा है कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष पर ही हमला कर रही है, अपने लोगों को नहीं पकड़ रही है। संदीप कुमार जी आप बताइए कि क्या लगता है कि मोदी जिस तरह से विजन रखते हैं, जिस तरह से 2047 तक की बात करते हैं, उसमें केवल यही इलेक्टोरल बॉन्ड और भ्रष्टाचार ही मुद्दा नहीं है बल्कि और भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि लॉन्ग रन में इनके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, बेरोजगारी का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, चाहे और फेयर जो इलेक्शंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उन सब का मुद्दा होता है। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स को नरेंद्र मोदी ने इस पूरे इंटरव्यू में, इन बातचीत में कवर करने की कोशिश करती है की है, तो बड़े लार्जर प्रोस्पेक्ट में 2047 तक का जो खाका खींचते हैं उसमें क्या दिखता क्या है? देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने एक चीज तो तय कर दी है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि अगली सरकार उनकी बन रही है। उन्होंने कहा कि हमने 3 योजनाएं हैं हमारी मेन, एक 100 दिन का, दूसरा 5 दिन का और 2047 का, 3 योजनाएं हैं। उनका यह भी कहना है, उन्होंने कोर्ट किया इस बात को कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस समय भी चुनाव में जाने से पहले उन्होंने 100 दिन का प्लान बनाया हुआ था और जैसे सरकार में आए तो उसे जल्द से जल्द उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें वो लेके आए, बड़ी बड़ी सरकार ने फैसले किए, चाहे वो धारा 370 हो, 3 तलाक हो, इन सबको लेके उन्होंने ये विजन क्लियर कर दिया कि ये 100 दिन का है हमारा, ये अगले 5 साल का है और ये 2047 का है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो 2047 का विजन है ये हम आज से नहीं, पिछले 2 साल से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज चल रही है, घंटों घंटों मीटिंग्स हो रही हैं, माता पच्ची हो रहे हैं, ऑफिसर्स को काम सुपुर्द किया गया है कि आप ये कीजिए। और साथ में उन्होंने कहा है कि इस पूरे 2047 के प्लान के लिए उन्होंने 15 से 20 लाख लोगों के सजेशंस दिए हैं। जीवन ये 15 से 20 लाख लोग हर कैटेगरी के हैं, स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, और उनका कहना था कि इन लोगों का सजेशंस हम लोगों ने लिए हैं और भी सजेशंस लिए जाएंगे। और उनसे पूछा गया है कि 2047 में आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बीच में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि उन्होंने कहा कि 15 से 20 लाख लोगों के राय ली गई और उस राय की चीज़ों को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया बीजेपी ने। अगर उन घोषणा पत्र की बातों को उठाएं जिसमें महिलाओं को पैसे देने की बात है या फिर जो किसान हैं उनके लिए कुछ करने की बात है, उसमें अगर हम पैसों की बात करें कि महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे या जो भी इनको फाइनेंशियल मदद दिए जाने की बात है, और दूसरी तरफ 2047 की बात है कि हम विकसित देश बनना चाहते हैं, तो एक तरीके से कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि विकसित देश हो जाएंगे, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को या किसी को भी ऐसा बेनिफिट देंगे जो कि उनको इंडिपेंडेंट बनने नहीं देगा। एक तरीके से जो सरकार के सहारे रहने की बात है वो रहने की बात हो रही है, तो ये कंट्राडिक्शन किस तरह से जस्टिफाई दिखता है आपको? देखिए ये क्या है कि ये जो या तो आप महिलाओं को पैसे देने की बात हो या स्वास्थ्य योजना हो, ये बेसिकली इनके इसके पीछे इनका विजन है कि इन्हें हम मजबूत कर रहे हैं, इनको जो है इनको अपलिफ्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, और जब तक ये अपलिफ्ट नहीं होंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं जाएगा। तो इनका कहना है कि हम उन्हें स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उन्हें हम मजबूती दे रहे हैं ये सब चीज़ें देखें ताकि वो भी अपनी जगह एक प्लेटफॉर्म पे। संदीप चौधरी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बात मोदी जी ने कही है, 2047 को कहा है कि विकसित देश बन जाएगा भारत, और उससे पहले जो लोगों को सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है उसमें फाइनेंशियल मदद करने की बात की जा रही है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ तमाम देश दुनिया भी देखते हैं,
क्या आपको ये समझ में आता है कि जो आर्थिक स्तर पर इस तरह से मदद की जाती है, फ्रीबीज दिए जाते हैं, या फिर इस तरह से मास लेवल पे भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं वहां पर इस तरह के पैसे देकर के अगर ये बात कही जाए तो वो कोई रास्ता दिखता है जिसमें 2047 में देश भी विकसित हो जाए और इस तरह से लोगों को फाइनेंशियल मदद भी मिलती रहे? देखिए श्रीवास्तव जी, जितनी बातें मैनिफेस्टो में कही जाती हैं उनमें कुछ लॉलीपॉप भी होते हैं। अमित शाह जी बहुत पहले बता चुके हैं कि जुमला भी कोई चीज होती है, क्योंकि ये एक लोगों को लुभाने के लिए भी कही जाती है। विकसित भारत का सपना अभी हिंदुस्तान के लिए दूर की कोड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान का कर्जा देखिए बढ़कर के कहाँ पहुंच गया है, करीब 85 लाख डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि राजनीतिक लोग वोट पाने के लिए भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, मोदी जी का जो विजन है, जो मिशन है, वो कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने का है, इस चीज कोई दो राय नहीं। और जो उन्होंने कहा है उनमें सब बातें नहीं लेकिन कुछ बातें, जैसे धारा 370 इनका एक विजन रहा है। और मोदी जी जब देश के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, संगठन में काम करते थे, उस वक्त उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की एक यात्रा की थी, और जम्मू कश्मीर में उसी पॉइंट पर जहां लोगों को मारा जाता था आतंकवादियों के द्वारा, लाल चौक पर वही झंडा फहराने का कार्य किया था। तो इन चीजों से आप ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो देश को अपने उस पर मिशन पर निकला है, जो अपनी जान को खतरे में डाल करके निकला है। तो मकसद है कुल मिलाकर देश को बदलने का और देश को आगे बढ़ाने का, विकसित भारत बनने में कितना समय लगेगा ये एक अलग बात है। देखिए जाहिर सी बात है उसके अपने आंकड़े होते हैं और वो फाइनेंस पे आधारित होते हैं, लेकिन जिस तरह की बात की, चाहे यूसीसी को हो लेकर के हो, सीएएनआरसी को लेकर के हो, इसके अलावा चाहे हलाला प्रथा को हो, पर्दा प्रथा को लेकर के हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ऐतिहासिक काम हुआ है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन एक तरफ से और भी चीज़ें देखी जाए, मोदी जी ने ये भी कहा कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनका शुक्रिया, उन्हीं के पैसे से आता है और ये फ्रीवीज और ये तमाम चीज़ें चलती हैं, ये भी एक इनडायरेक्ट सी बात कही है। लेकिन असल मुद्दा तो ये है कि जिस तरह का विजन लेकर के मोदी जी चल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल एम्बिशंस की बात अलग है और उसकी प्लानिंग और रणनीति की बात अलग है, लेकिन 2047 तक का जो प्लान है वो कहां से पूरा होता हुआ दिखता है? क्योंकि चाहे यूसीसी की बात हो, सीएनआरसी की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, ये देश में अलग तरीके का माहौल तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के प्लान्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बात नहीं की उन्होंने। और शायद 100 दिन का जो प्लान बनाया उसमें बात हो भी, लेकिन आखिर में ज़रूरत होती है फाइनेंस की, पैसों की, जिससे कि एक देश विकसित हो सके, वो जो प्लान दिखता है, क्या आपको लगता है ये चुनाव के बाद की रणनीति हो सकती है? क्योंकि चुनाव में सिर्फ वही बातें की जाती हैं जो लोक लुभावन हो। देखिए श्रीवास्तव जी, अगर आपको तन को वाकई सोने की चिड़िया बनानी है, अगर आपको विश्व गुरु बनाना है या आपको विकसित भारत बनाना है, ये सारी एक ही बातें हैं। इसके लिए आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इंडस्ट्री लेके आनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप नोएडा में बैठते हैं तो नोएडा में एक इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, जिस तरीके से आप गुड़गांव में जाते हैं तो वहाँ पे मानेसर पे एक इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इसी तरीके से आप कभी बैंगलोर जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्री का हब मिलेगा। बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं, तो ऐसे पॉइंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे जहाँ से दुनिया की कंपनियां आए, उनके कॉर्पोरेट ऑफिस यहां पर आए और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। जैसे ही हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आगे बढ़ेंगे, टेलीकॉम के सेक्टर में आगे बढ़ेंगे, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ेंगे, तो मनी जनरेट होगा। और जब मनी का बिल्कुल संदीप कुमार जी आप बताइए कि जिस तरह का विजन, प्लान और रणनीति मोदी जी ने आज के बातचीत में बताई है, उस रणनीति को आप किस तरह से आकलन करते हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति दिखती है या 2047 तक का जो उन्होंने विजन बनाया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता दिखता है, और कैसे दिखता है अगर दिखता है तो? देखिए जो मैनिफेस्टो है वो साफ तौर पे आपको ये पता है, जैसा कि संदीप जी ने बताया कि ये लोक लुभावन चीज़ होती है, लोगों को चॉकलेट देना है कि ये तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ये बात तय है। सारे लोग इसलिए ही मैनिफेस्टो लेके आते हैं, मैनिफेस्टो में कितनी बातें जो लोग घोषित होती है उसमें कितनी पूरी होती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, आंकड़े उसके सामने हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का नाम लिए बगैर, ये जो आपने क्वेश्चन किया उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ राहुल गांधी से जोड़ते हुए जी, जी। तो राहुल गांधी ने अभी दो दिन राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उन्होंने बोला था कि एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से ये लोग वहाँ पे हैं, सरकार ये लोग चलाते रहे हैं, ये अब ये बात करें एक झटके में थे तो पहले क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात इसके साथ ये जो उनका कहना था कि जो वायदे लोग करते हैं चुनाव में, नेता जो करते हैं उनको
सोच समझ के करना चाहिए और उनको ओन अप करना चाहिए। हमने जो वादा किया उसे हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज जोड़ी उसमें कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हालांकि ये नेताओं के लिए था लेकिन ये लागू सब पे होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों से वादे करते हैं उस वादों पे कितने खरे उतरते हैं ये भी अपने आप में लोग नेताओं को और पार्टियों को सोचना चाहिए कि आप क्या आप लोगों को मैनिफेस्टो बेवकूफ़ बनाने का जरिया है। लोगों को वोट पाने के लिए आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों को एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करना है या बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको प्लान भी बड़े रखने होंगे। हालांकि कई बार विपक्ष खुद ही मौका दे देता है। अदरवाइज तो राहुल गांधी और कांग्रेस के पास पिछले 70 साल में किए गए कामों का भी इतिहास हो सकता था लेकिन एक झटके में हम पूरा कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे और सब चीज़ें ठीक कर देंगे कह करके खुद ही उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। बिल्कुल एक तरफ तो वो विपक्ष इस तरह की बातें करता है और वो फिर आड़े हाथों लेते हैं नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ जो 2047 का विजन दिखता है उसमें कई ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं कि जो लगता है चुनावी वादों से इतर वो कुछ काम भी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है आप देखिए चाइना छोड़ करके एलन वक्स यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब इस स्ट्रेचर का इस कद का कोई व्यवसायी आता है भारत में और अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो दूसरों के लिए भी एक सेफ पैसेज मिलता है, लोग भी अट्रैक्ट होते हैं और एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव तैयार होता है। ये जो प्लान है जो ये रणनीति है क्या ये उसी का हिस्सा दिखती है 2047 के विजन का या फिर अभी चुनाव की बात हो रही है तो उसमें एक प्लस पॉइंट दिखता है? ये सवाल भी पूछा गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहकर इस सवाल को टाल गए कि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है और अगर इस बारे में वो कुछ भी बोलेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट में आ सकता है, लोग सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि चुनाव खत्म होने के बाद वो सारी चीज़ें पॉइंट दर पॉइंट बताएंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है और कैसे ये अचीव करेंगे 2047 का प्लान। तो अभी तक तो फिलहाल इसके बारे में उन्होंने कोई माइन्यूट जानकारी यानी कि उसको लेकर के भी बड़े प्लान है क्योंकि ये सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं लगती है बल्कि 2047 और अगले 5 साल और 100 दिन की जो बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दम दिखता है। बल्कि अब देखना ये होगा कि इन बातों में दम जो दिख रहा है वो हकीकत के धरातल पे कितना उतरता है क्योंकि ये चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम के बाद जब सरकार बनेगी और अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आती है तो शायद इस पर बात हो। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो वाकई ये बताता है कि उनको लगता है कि तीसरी बार भी फुल मेजोरिटी के साथ आएंगे और जो प्लान है वो कर पाएंगे। संदीप चौधरी जी जो कॉन्फिडेंस दिखता है क्या आप अगर पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें किसी सरकार में या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि लड़ने जा रही हो चुनाव और आने वाले दिनों के लिए इस तरह से प्लान कर रही हो और इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही हो वो देश के लिहाज से कितना अच्छा होता है और उस पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से कितना ज्यादा मजबूत होता है? देखिए जिस तरीके से मोदी जी का कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता है दूसरे दलों पर और खासकर कांग्रेस पर। जिस तरीके से राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ जाता है ठीक इलेक्शन के टाइम पर कि वो एक झटके में गरीबी हटा देंगे, इससे कहीं ना कहीं ये चीज हास्यास्पद बन जाती है और मोदी जी ने उस चीज को कैच कर लिया है। क्योंकि आप करीब 60-70 साल देश में राज करते हैं तब आपको गरीबी नहीं हटी और एकदम से इस तरीके का बयान का देना ये बचकाना हरकत होती है। जिस चीज को बीजेपी लपक लेती है बीजेपी के लोग लपक लेते हैं। तो और उनका जो कॉन्फिडेंस है आप देखिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ किस तरीके से अभिनंदन को छुड़ा लिया गया, इन चीजों से पता चलता है। किस तरीके से सीरिया से इंडियंस को निकाल करके लाया गया, किस तरीके से अमेरिका के अंदर मोदी जी ने अपने स्वागत का पूरा व्यवस्था कराया और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, हिंदुस्तान को मैसेज दिया। जिस जहां भी जिस देश में भी मोदी जी जाते हैं तो उनका जिस तरीके से वेलकम होता है, जिस तरीके की वहाँ पे गैदरिंग होती है, इसके भी जनता के बीच में एक मैसेज जाता है कि हाँ नेता इससे साफ पता चलता है, इससे साफ समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता के तौर पर न सिर्फ अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं बल्कि उसको किस तरह से इनकैश किया जाए या लोगों तक पहुंचाया जाए जिसको कहते हैं और लोग उससे जुड़ सकें और कनेक्ट होकर के बीजेपी के सपोर्ट में आ सकें, ये भी बहुत ध्यान रखते हैं। और शायद यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो विपक्ष पर हमेशा हावी होता है, छोटे छोटे मुद्दों को बड़े स्तर पर इनकैश कर लेना, उसको समझा पाना, लोगों तक पहुँचा पाना, ये भी बहुत बड़ी काबिलियत होती है। और शायद मोदी जी ने जो आज बात की, जो इंटरव्यू में बातें कही, मीडिया से बात कही, उसमें ये कहने की बात की कि जो कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या रणनीति बना रहे हैं वो कितनी कारगर साबित होगी ये तो बात की बात है, लेकिन आज का कॉन्फिडेंस साफ तौर पर दिखाता है कि वो ये तय करके बैठे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए फिर से सत्ता में आने वाले हैं और सत्ता में न सिर्फ आने वाले हैं बल्कि आकर के करने क्या वाले हैं, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चर्चा में जो हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें क्या मुख्य मुद्दे थे और उनका क्या मायने था,
और इस चर्चा में हमारे साथ संदीप चौधरी जी और संदीप कुमार जी जुड़े थे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।